हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे हम फ़ोन की आवाज़ को कम करते हैं, और पावर बटन, जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ़ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ़ करते हैं। आपको इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बता देती हूँ। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, डिस्प्ले की। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं एज पैनल्स की। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे सबसे पहले यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। एंड देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी पैनल्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ओनली टास्क वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बाकी सभी को अनसिलेक्ट कर देंगे। सिंपली ऐसे क्लिक करके अनसिलेक्ट कर देंगे। एंड देन आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे राइट साइड कर एक लाइन दिखेगी, आपको इसे लेफ्ट साइड कर स्वाइप करना है। एंड देन यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगी टेक स्क्रीनशॉट की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है।